जी वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डिकोड द मार्केट्स। आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अपना 4 जनवरी के लिए। और उससे पहले आपको बता दें, 3 से हमारी ट्रेडिंग वैसे स्टार्ट थी प्रॉपर, तो आज ही हमने प्रॉपर ट्रेडिंग स्टार्ट की है, तो एक अच्छा दिन रहा है हमारे लिए। ये तकरीबन अगर आप देख लें, ये तकरीबन एक ट्रेड हमने ली हुई थी यूरो की सेल की, ये मैंने फ्री ग्रुप में शेयर भी किया। एंट्री वैसे मेरी से ऊपर से थी, बट ठीक है। ये तकरीबन 218 पिप्स में आज यूरो की, यानी कि करेंसी पेयर, ये तकरीबन हमने आज इसको क्लोज किया है। ठीक है, तो इसके अलावा एक GBP कैड की एक ट्रेड ली थी, ये तकरीबन यहाँ से बाई ली थी, SL Speed के नीचे था, तो स्कैल्पिंग टाइप ट्रेड थी ये। और एक ट्रेड और थी, ये अच्छी ट्रेड निकली है EURJPY की, छोटा रिस्क, और इसके साथ ये तकरीबन 134 पिप्स इसमें निकले हैं। कुछ एक दो स्कैल्प्स और भी हुई हैं, और तकरीबन एक अच्छा दिन रहा है। अगर आप इसको अब आप एवरेज निकाल दें इसको, एक दिन का और 4-5 दिन के हिसाब से अगर आप मल्टीप्लाई भी करें, तो एक अच्छा हैंडसम रिजल्ट आपके सामने आता है। और फिर उस 1 वीक को आप 1 महीने के साथ मल्टीप्लाई करें, तो एक अच्छा रिजल्ट आता है। और हमने काफ़ी दफ़ा प्रॉपर प्रॉपर जो एक्सेल की शीट होती है वो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो बेसिकली वो सारी ये चीज़ें होती हैं। अब VIP ज्वाइन कैसे करना है? VIP आपने ज्वाइन ऐसे करना है कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में IB के लिंक्स अवेलेबल हैं, ऑक्टा का भी है, एक्सनस का भी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और लर्निंग क्लासेस भी हैं, और अभी हमने कोर्स सिस्टम शुरू किया है कि जो न्यूज़ का टाइम होता है उसमें हम जूम पे या व्हाट्सएप वॉइस कॉल के ऊपर वो हम इवेंट्स वगैरह डिस्कस करेंगे, और साथ में उसकी जो ट्रेड बनती हुई तो वो भी करेंगे। मेन इवेंट्स के ऊपर, जूम के ऊपर होगा, और बाकी इसके ऊपर होगा, और कुछ ना कुछ बीच में लाइव यूट्यूब के ऊपर भी हम कर लिया करेंगे। ठीक है, फिर कम्युनिटी के लिए ऑब्वियसली डिपेंड करता है, आप लोगों की सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एनीवे आज का कुछ ऐसा एनालिसिस नहीं है, क्योंकि अगर आप ये देखें फॉरेक्स सेक्टरी, अगर आप देख लें क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, आप देख लें 2 जनवरी हमारे पास जी, हमारे पास अच्छा ये जॉब का डाटा जो है, बेसिकली ये आप इस तरह समझ लें कि रिसेशन बेस्ड डेटा है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग रिसेशन एक तरह का एक्सपेक्टेड है मार्केट में, उसके ऊपर बात करते हैं फिर कभी। बहरहाल कल यूरो का डाटा है, तो इसको लाइव ही कवर करना पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन पूरे दिन का डाटा है, क्योंकि पूरे यूरोप का डाटा है ना, डिफरेंट कंट्रीज हैं इसके अंदर। ठीक है, ADP इसको देखते हैं, और मेरे हिसाब से फिलहाल जो डिक्सी है उसके अंदर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आनी चाहिए। ये आपको कल टारगेट बताया था 102.6 का, 102.7 लगाया हुआ मार्केट ने। ठीक है, तो सिंपल थी ये, आपके पास 2 तारीख, ये आपके पास 3 शुरू है, जहाँ से बताया वहीं से ऊपर है मार्केट, तो सिंपल 3 चीज़ें हैं। नैशटैग भी अगेन जहाँ से आपको सेल कराई हुई है जा रही है, इसको होल्ड रखें। ठीक है, नैशटैग को होल्ड रखें फॉर टाइम बिंग, ये है कि 500, 550, इवन 600 का लेवल भी टेस्ट हो सकता है वापस, तो लेकिन एंट्री आप ले सकते हैं दोबारा सेल की, अगर किसी से मिस होगी हो और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। यूरो आपको बताइए हमारी ट्रेड थी, आपको मैंने दिखा भी दिया है, JPY भी हमने ये की थी। अच्छा, क्रिप्टो में आज थोड़ा सा बड़ा एक फ़नी सीन हुआ है। फ़नी सीन ये हुआ है कि क्रिप्टो में एक न्यूज़ आती है कि जी एक कंपनी है, वो कहती है कि जी शायद हमें लगता है कि SEC, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ USA, वो शायद अप्रूव ना करे आपका ETF, और उसके ऊपर मार्केट गिर जाती है। फिर बाद में लोगों को ख्याल आता है यार ये तो असल न्यूज़ नहीं है, ये तो कंपनी है। तो बेसिकली क्या है, वो लेवरेज पोजीशन थी, उनको ख़त्म करना था। बेसिक मकसद तो क्रिप्टो में यही होता है, फॉरेक्स मार्केट में भी यही होता है, लेकिन क्रिप्टो में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो टिपिकल सीन है क्रिप्टो के अंदर, एक फेक न्यूज़ फेंकी जाती है, फिर कहा जाता है नहीं नहीं यार ये तो सॉरी मिसअंडरस्टैंड होगी, क्योंकि बेसिकली क्रिप्टो रेगुलेटेड नहीं है ना। और ऑनेस्टली अगर आपको क्रिप्टो की समझ जाए, तो आप में से शायद पता हो किसी को
ये जो हम प्राइसेस देख रहे हैं ना, ये 42.7, ये बेसिकली फ्यूचर्स की प्राइसेस हैं, ठीक है, यानी कि लेवरेज बेस पोजीशंस की प्राइसेस हैं। ये स्पॉट की जो है वो शायद 30,000 के आसपास हो या शायद उससे भी नीचे हो, ठीक है। तो अगर मतलब ये सारी फ्यूचर्स की पोजीशन, यानी कि मिसाल के तौर पे एक 10x की पोजीशन है, तो उसका प्रॉफिट लॉस 10x के हिसाब से होगा, ठीक है। इसी तरह लॉस में भी सेम कहानी होती है, बट जस्ट सेइंग कि यार ये फ्यूचर्स की पोजीशन है और मार्केट ने इनको लिक्विडेट करना था और वो लिक्विडेशन हुई है। बहरहाल अभी मार्केट की तरफ देख रहे हैं, 45,800 के पास में मार्केट को देख रहा हूँ, तो मैं बल्कि इधर लिख देता हूँ 45,000, 44,000 पहले एंड देन 45,800, ठीक है, 44 के। तो इसको आप देख सकते हैं, स्टिल थोड़ा सा एंट्री से ऊपर है बट देख सकते हैं। इथेरियम का भी सेम है। USDJPY जो है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट सेल की तरफ आ सकता है, 142.5 तक आप इसको देख सकते हैं, और इसमें आप एक ट्रेड ले सकते हैं USDJPY के अंदर रिट्रेसमेंट सेल। EURUSD के अंदर आप थोड़ा सा रिट्रेसमेंट बाई देख सकते हैं, बट मेरा नहीं ख्याल कि अभी सेटअप बना है, कल शायद बन जाए। गोल्ड अगेन वही सेल चल रही है लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म एक सेटअप बना हुआ है और इस सेटअप के हिसाब से आप मार्केट को 2055 और उसके बाद 67 के लेवल तक देख सकते हैं, ठीक है। 67 शायद ना आए, ठीक है, बट 55 की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं। तो ये सेटअप आज आपको मैं गोल्ड का दे रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं, सही है। SL ऑब्वियसली 28 के पास रहेगा, 28-29 के पास SL रहेगा, बट एंट्री अभी फ़िलहाल गई हुई। अगर आपको 33-35 का एरिया मिलता है तो आप वहाँ से 28 के SL के साथ 55 को टारगेट कर सकते हैं। वन टाइम एरिया, दोबारा उधर मार्केट जाती है, उसके बाद फिर जारी बात है मिस हो जाती है तो मिस है। GBP USD अगेन वही 0.1.25 का लेवल ओपन है, 1.25 का, और उससे पहले ऑब्वियसली 1.26 भी है, ये भी एक अच्छी सपोर्ट है, बट मेजर मेरा हाल से 1.25 तक मार्केट ओवरऑल जा सकती है। आज वैसे GBP USD थोड़ा सा बुलिश रहा है, और ये अगर आप देखें थोड़ा सा एक बेरिश पैटर्न भी बना रहा है, ठीक है, ये बेयर फ्लैग बना रहा है जो कि इवेंचुअली नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है, और इसको आप देख सकते हैं। डिक्सी के अंदर भी आप सेम बेसिकली आप ये मूवमेंट देख सकते हैं कि आपके पास एक बेरिश फ्लैग जो है वो बन के आए और मार्केट आपकी ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो मार्केट में ऐसा चाहिए, क्योंकि अभी जो मेन न्यूज़ है वो आपके पास NFP की है, इस हफ्ते की जो मेन न्यूज़ है वो NFP है, ठीक है, और बाकी ये जो डाटा हैं ADP और आपका आज का डाटा, ये इसको सपोर्टिव है, तो इसको आप देख सकते हैं। XNG की मैंने आपको ट्रेड दी भी थी 2023 में दिसंबर में, और ये अभी भी आपके पास प्रॉफिट में जा रही है अगर किसी ने ली थी और होल्ड की हुई है, ठीक है। लेकिन अगेन ये भी आपके पास तकरीबन एक बेरिश फ्लैग पैटर्न टाइप कुछ बना रहा है, तो मार्केट ये 2.7 के आसपास ये लगा हुआ है, 2.75 के 5, इस तरह से आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग तो आप अभी भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात करनी है, ठीक है, 2.7 के लेवल के आसपास। उसके अलावा 30 ईयर्स, 10 ईयर्स, 2 ईयर्स, अभी ऐसा कोई इवेंट नहीं है, ठीक है, इम्पैक्टफुल जो इनको इम्पैक्ट करे, तो यही है GBP JPY। अच्छा, USDJPY, GBP JPY आप दोनों लोगों को अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दोबारा दे सकते हैं, ठीक है, तो उसको भी आपने देख लेना है। US ऑयल कल के दिन थोड़ा सा सेल जा सकता है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि अब जाएगा ही जाएगा, जा सकता है, डेट्स ऑल आई एम सीइंग। अगर सेटअप बनता है तो इसको ले लेंगे, बट विल हैव टू सी टू बी ऑनेस्ट कि मार्केट में क्या होता है। अच्छा, एक क्रिप्टो की ट्रेड आप लेते जाएं, ये सेटअप है ERBUSDT का, तो इसको आप समझ लें कि बाई कर सकते हैं तकरीबन 1.8 के अराउंड, 1.8, 1.75 के अराउंड, ठीक है, 1.6 के असल के साथ, और TP इसका रहेगा 2.35 का TP रहेगा, ठीक है, फाइनल TP, बीच में ऑब्वियसली पार्शल और वो सारा कुछ आपके पास रहेगा, फाइनल TP। और क्रिप्टो में जो हमारी रिस्क मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटजी है वो सिंपल सी है, सिंपल सी ऐसे है कि आपने 5% रिस्क आपने
और 10x की लेवरेज के साथ लेना है, ठीक है। और SLTP जो भी है इसका वो आपने यूज़ करना है। ये डिफ़ॉल्ट रिस्क है जो भी आपके पास ट्रेड है, चाहे अल्ट कॉइन की है चाहे बिटकॉइन की है, ठीक है। कोई भी हमारे क्रिप्टो का सिग्नल आता है, दिस इज़ द थिंग यू नीड टू फॉलो। और स्पॉट के लिए ऑब्वियसली SLTP के साथ सिंपल जो स्पॉट में होता है उसमें लेवरेज और ये सारा सीन नहीं है। तो डैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे, और बाकी होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी, ट्रेड मैंने आपको दे दी है। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Decryptors. Join us for more.